दोस्तों पिछले दो मिथ्स वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे स्कैरी मिथ्स को ट्राई किया, बट ये वाली वीडियो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम बहुत ज्यादा मजेदार और स्कैरीस्ट एंटिटीज के बारे में जानेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस बार लाइक हम रखते हैं। मैं नहीं बताऊंगा ये भगवान क्या जुल्म है। माइनक्राफ्ट में जब रात होती है तो हमें सबसे ज्यादा डर स्केलेटन, ज़ॉम्बी या फिर फैंटम से लगता है, लेकिन ये वाला मिथ जानने के बाद आपको ये सब छोटे बच्चे लगेंगे। सो ये स्टोरी एक माइनक्राफ्ट प्लेयर की जिसे क्रीपर से बहुत ज्यादा लगाव था। एक रात जब वो बंदा क्रीपर का स्टैचू बना रहा था तभी पीछे से एक वॉइस आई जिससे उसे लगा किसी मॉब की वॉइस होगी और वो सोने चला गया। और जैसे ही वो बेड पे लेटा उसकी स्क्रीन व्हाइट हो गई पूरी तरीके से। फिर जब दोबारा गेम खुला तो वो कहीं बाहर टेलीपोर्ट हो गया था, तो उसे लगा बाहर रहना खतरे से खाली नहीं, तो वो फिर से अपने घर के अंदर जाकर छुप गया। लेकिन दोबारा वो बाहर टेलीपोर्ट हो गया और इस बार जब उसने घर के अंदर जाने की कोशिश करी तो अंदर से गेट बंद हो गया था। और उसके बाद जब उसने आसमान में देखा तो उसे लूनर मून दिखाई दिया जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा था। फिर धीरे धीरे वो मून बढ़ता गया और प्लेयर पे आग के गोले फेंकने लगा। और फिर उस प्लेयर के चैट पे एक मैसेज आया कि ह्यूमंस तुम नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और यहाँ तक कि नॉच भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर उसका गेम क्रैश हो गया और जब उसने वर्ल्ड का नाम देखा तो उसका नाम Error.Unknown नेम रख लिया गया था। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया और पता चला अगर हम लोग लूनर नेम की सीड डालें तो हमें लूनर मून दिख सकता है। सो क्रिएट करते हैं वर्ल्ड, सबसे पहले सीड डालते हैं जिसका नाम है लूनर और बस करते हैं क्रिएट। सो हम बहुत ही बेहतरीन जगह स्पॉन हो चुके हैं, अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। सूरज चाचू भी एकदम मस्त है, मे बी रात होने का इंतजार करना पड़ेगा तब जाकर लूनर मून दिखेगा। जब तक रात हो रही है तब तक हम आराम से बोटिंग कर लेते हैं। ओह सॉरी भूल गया था, स्कैरी वीडियो है। सो गाइस फाइनली सूरज डूबने वाला है और अब चंदा मामा निकलेंगे। ओ चूना लगा दिया। ये तो बिल्कुल नॉर्मल चंदा मामा लग रहे हैं यार, बट सीट तो यही थी, अब ये लूनर चंदा मामा कब बनेंगे? कोई बात नहीं गाइस, मे बी क्या पता वो मिथ फेक हो। व्हाट, ये किसका ब्लड है? ओ नो गाइस, ये किसका ब्लड गिरा हुआ है यहाँ पे रास्ते में और ये किस तरफ जा रहा है? बट ये इस रास्ते तक जा रहा है। ओके ये लावा पूल के पास आया और यहाँ लिखा हुआ है वे टू लूनर डायमेंशन। इसका मतलब अगर मैं इस वाले पूल के अंदर कूदूंगा तो मैं बुरे वाले चंदा मामा के पास पहुंच जाऊंगा। सो 3, 2, 1 गो। यस, ओह गॉड मेरे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे, मैं ऊपर कैसे जाऊं? हेलो ऊपर लाओ। ओके फाइनली मैं ऊपर आ गया और यहाँ क्या लिखा हुआ है? बाय। बट मैं इस वाले वर्ल्ड में आ गया और मून कहाँ पर है? What the hell? ये है वो लूनर मून। मैंने गलती कर दी इस वाले सीड में आकर। यार कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है और यहाँ पे कितनी ज्यादा शांति लग रही है। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये मेरे ऊपर फायर बॉल ना छोड़ने लगे। व्हाट, मेरी स्क्रीन व्हाइट क्यों हो गई? मेरी स्क्रीन वापस आ गई बट मैं यहाँ सर्वाइवल में आ चुका हूँ और यहाँ पे क्रीपर भाग। बस मैं कैसे भी करके इसके अंदर घुस जाऊं। अब मे बी मैं यहाँ पर सेफ हूँ। 5 minutes later और ये अचानक से ज़ॉम्बी इतने सारे कहाँ से आने लगे? बाप रे क्रीपर आ गया। What the hell, इतने सारे ज़ॉम्बीज क्यों आ रहे हैं? ओह गॉड यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज कैसे? इससे अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। बाय। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मेरे वर्ल्ड का नाम भी ऑटोमेटिकली Error.Unknown नेम रख चुका है। सो क्या इसका मतलब ये कि लूनर मून वाले मिथ सही है? खुद ट्राई करके कमेंट में बताओ गाइस। Herobrine, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा फेमस और खतरनाक एंटिटी है। अगर आपके वर्ल्ड में पेड़ से पत्ते गायब होते हैं या फिर ऐसे तरीके के पिरामिड्स बनते हैं तो समझ लेना Herobrine आसपास ही है। तो मैंने माइनक्राफ्ट अल्फा का सबसे स्टार्टिंग वाला वर्जन डाउनलोड कर लिया है, अब खेलते हैं इसे। मैं यहाँ पे सीट कैसे लिखूंगा? कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाले वर्ल्ड में जाते हैं। ओके तो मैं इस जगह स्पॉन हो चुका हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है। मे बी मैं एक आइलैंड पर हूँ क्या? यहाँ पर इतनी शांति है कि मैं क्या ही कहूँ। और वेट, मुझे उस साइड जाने चाहिए कि नहीं? वहाँ पे इतना अंधेरा है बट कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ। मैं इतने अंधेरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। एक सेकंड, वहाँ से मुझे आवाज आ रही है। मजाक ज्यादा हो गया, अब मुझे सही में Herobrine को ढूंढना है और थोड़ा सा और डिस्कवर करते हैं, देखते हैं। Herobrine, आई विल चेंज योर फेट फॉर द वर्स। डाई, ये किसने लिखा? व्हाट, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है और सारे साइन बोर्ड पे सेम चीज लिखा हुआ है। और भी साइन बोर्ड्स है क्या आसपास? मुझे तो गाइस इस वर्ल्ड में Herobrine दिखाई। व्हाट, मैं व्हाट द हेल, मैं ये कहाँ पर आ गया?
थैंक गॉड मैं क्रिएटिव में था वरना मैं मरी जाता। मेरे ऊपर अभी जस्ट बिजली गिरी पता नहीं कहाँ से। ओह गॉड मैं इस जगह पर कैसे आया। ओह गॉड डैम यार बट मैं इस जगह पे कैसे आया, मैं तो दूसरे वर्जन में था। वहाँ पर एक पिरामिड है, ये तो वही वाला पिरामिड है जो हीरोइन बनाता है, बट मैं इस वाले वर्ल्ड में। ओह गॉड यहाँ पे सारे पेड़ की पत्तियां गायब है और यहाँ पे एक और पिरामिड बना हुआ है लेकिन पता नहीं। ओह माय गॉड हीरोइन मेरे पीछे है। व्हाट द हेल मैंने अभी हीरोइन को देखा। ये रही यार ये तो बहुत ही गंदे वाले जंप स्केयर दे रहा है। मैं अपने लिए नेदरराइट की टूल ले लेता हूँ गाइस जिससे वो मुझे मार ना सके। नहीं नहीं मैं पता नहीं अपने आप से कैसे सर्वाइवल मोड में आ चुका हूँ। ओह गॉड बाप रे बट आखिर वो है कहाँ पर। यहाँ पे तो इतने सारे मॉब्स हैं, मुझे इनसे बचकर रहना पड़ेगा। ये आग अपने आप कैसे जल रही है। ओह गॉड वो रहा हीरोइन। क्या मैं उससे फाइट करूं जाकर, तू नहीं बच सकता मुझसे। वो व्हाट मैं ये कहाँ पर आ गया। ओह गॉड मैं ये कहाँ जा रहा हूँ। ओह नो मैं ये किस जगह जा रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उतर क्यों नहीं पा रहा। व्हाट द हेक मैं कहाँ गिर रहा हूँ। नहीं अबे मैं उतर क्यों नहीं पा रहा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये वाली मीट बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। एक यूट्यूबर है O1G करके, उसने एक वर्ल्ड क्रिएट किया विद द सीड ब्लड .exe और जैसे ही उसने उस सीड को थोड़ा एक्सप्लोर किया उसने देखा कि पानी का कलर रेड है। This isn't normal, guys. तो जल्दी से डालते हैं सीड और देखते हैं क्या वो बात सच है, क्या हमें सही में वाटर का कलर रेड दिखता है। क्रिएट न्यू वर्ल्ड। अगर ये बात सच हुआ ना तो लिटरली मजा ही आ जाएगा। ओके तो मैं जगह पे स्पॉन हो चुका हूँ बट मुझे वाटर कहीं नहीं दिख रहा। एक बार जाकर देखते वाटर कहाँ पर है। मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही तेज हो रही है और व्हाट द हेल ये पानी रेड कैसे हो गया। गाइस ये कैसे हो सकता है यार, ये पत्तियां भी हवा में उड़ रही हैं। बट ये पॉसिबल कैसे है मुझे कोई बताएगा। इस घोड़े को पानी में ढकेल के देखते हैं, कुछ नहीं हुआ इसे। बट ये कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। और वेट व्हाट द हेल ये पूरी रिवर रेड हो चुकी है। क्या मतलब सारा पानी रेड हो चुका है माइनक्राफ्ट का। ये स्वैम्प बायोम का भी पानी रेड हो चुका है। बट ये पॉसिबल कैसे है मुझे कोई बताएगा। पानी के अंदर जाने के बाद ये कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। और यहाँ पे एक विच का घर भी है। विच से पूछते हैं क्या पता इसे कुछ पता हो। हेलो मैम मुझे आपसे बात करनी है। है कर रही है। इसको तो मैं पानी के अंदर ढकेलूंगा, तू निकल जा। मैंने इसका घर ही फोड़ देता हूँ, ना रहेगा घर ना रहेगी विच। मैं तो विच को भी फोड़ डालूंगा। बाय बाय विच। खैर तब भी ये सीट काम कैसे कर सकती है। वाटर बकेट का भी पानी टोटली रेड है यार। कैसा लगा मेरा मजाक। अहम अब सच्चाई बताता हूँ आपको, बस अपने रिसोर्स पैक वाले ऑप्शन में जाकर ये रेड वाटर वाला रिसोर्स पैक लगा देना है जिससे पूरा पानी रेड हो जाएगा। और अगर आप इस रिसोर्स पैक को हटा दोगे तो सारा पानी वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तब भी गाइस आप लोग कमेंट में बताना कि क्या सही में रेड रिवर वाली सीड एग्जिस्ट करती है माइनक्राफ्ट में। और अगर आपको रिसोर्स पैक डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो और डाउनलोड कर लो। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी जोड़ दबा देना। तो मैं मिलूंगा आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।